साल 2015 में रिलीज हुई मूवी ब्रदर्स ऑफ द विंड देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में डेंजर नाम के एक मिडिल एज आदमी को दिखाते हैं जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। वो एल्प्स पर्वतों के जंगलों में काम करता है और वहाँ की वाइल्ड लाइफ की देखरेख भी करता है। डेंजर हमें एक साहसी चील और उसके दोस्त की कहानी सुनाता है। 1960s में इन जंगलों में चील की एक जोड़ी रहा करती थी। उनके अंडों में से दो बच्चे निकलते हैं। डेंजर के अनुसार ये जोड़ी अपनी जाति की किंग और क्वीन थे, यानी इनके बच्चे सिंहासन के वारिस हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही किंग बन सकता है। इस वजह से बचपन से ही दोनों बच्चे एक दूसरे को अपना विरोधी मानते हैं। इनका पिता बाकी सबसे ताकतवर है, जिसकी वजह से उसके कई दुश्मन भी हैं। इस स्थिति में वे अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं। एक दिन अचानक उन पर एक दुश्मन हमला कर देता है और फिर दुश्मन से लड़ते लड़ते किंग नीचे गिर जाता है और जमीन से टकर कर मर जाता है। इनकी माँ जानती है कि किंग इगल वापस नहीं लौटेगा, इसलिए वह अकेली बच्चों को पालने लगती है। पर्वत के दूसरे भाग में डेंजर मरे हुए किंग ईगल को देखता है और कुछ देर बाद उसकी मुलाकात कैलर नाम के एक शिकारी से भी होती है। कैलर और उसका बेटा लुकस पर्वत पर एक छोटे से घर में रहते हैं। बाप बेटे के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं लगते। लुकस की माँ के मरने के बाद लुकस ने पिता से बात करना ही बंद कर दिया था। लुकस अपनी माँ को बहुत मिस करता है, लेकिन कैलर ना तो उसकी फीलिंग्स को समझता है और ना ही उसको प्यार देने की कोशिश करता है। फिर लुकस अपने पुराने टूटे फूटे घर में जाता है जहाँ वो और उसके पेरेंट्स रहा करते थे। अब अपने पिता का प्यार न पाकर लुकस बहुत ही दुखी होता है और अपनी फैमिली की पुरानी फोटोज को देखकर बहुत याद करने लगता है अपनी माँ को। यहाँ किंग ईगल के जाने के बाद क्वीन बच्चों को बड़ा करती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं सिंहासन पाने के लिए उनकी लड़ाइयाँ भी बढ़ने लगती है। जब उनकी माँ खाने की तलाश में उठ जाती है तो उनकी लड़ाई फिर शुरू हो जाती है और ज्यादातर बार बड़ा भाई लड़ाई को जीतता है। कुछ हफ्तों बाद वे और भी बड़े हो जाते हैं। अब एक दिन लड़ाई में छोटा भाई कई 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर बहुत घायल हो जाता है। इतना ही नहीं, वो कमजोर भी है और इसको ठीक से उड़ना भी नहीं आता। इसीलिए वो अपनी माँ का इंतजार करता है कि जब वो आएगी तो मुझको लेके जाएगी। और जब शाम को माँ लौटती है तो उसे छोटे का रोना सुनाई देता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करती क्योंकि वो अकेली है और सिर्फ एक ही बच्चे की सुरक्षा कर सकती है। वो कमजोर छोटे की जगह बड़े को पालना चाहती है क्योंकि वो बलवान भी है। बेचारा छोटा चींटियों और जंगली लोमड़ियों से रात भर लड़ता हुआ किसी तरह अगले दिन भी जिंदा बच जाता है, लेकिन एक बात साफ है कि ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला। तब लुकस छोटे को देखता है और उससे अपने पुराने घर में लेके आता है। वो छोटे का बहुत ख्याल रखता है। एक तकिए को काटकर वो छोटे के लिए घोंसला भी बनाता है। फिर लुकस छोटे के घाव भरकर उसको ठीक करना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि एक चील को कैसे ठीक किया जा सकता है। फिर चील को ठंड से बचाने के लिए वो अपनी जैकेट उस पर डाल देता है और उसके लिए खाना लाने अपने घर चले जाता है। फिर वो अपने पिता के सोने का इंतजार करता है कि जब वो सोएंगे तो मैं थोड़ा खाना ले लूंगा, और जैसे ही वो सोते हैं तो वो सॉसेज चुरा कर छोटे के पास चला जाता है। अब छोटे को सॉसेज खाते हुए देखकर वो बहुत ही खुश होता है कि चलो कुछ तो खा रहा है, और इस तरह एक ही दिन में दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों को मजे से खेलते हुए देखकर डेंजर तो बिल्कुल हैरान जाता है और छोटे को ट्रेन करने का फैसला करता है। अगले दिन लुकस जंगल से घास फूस इकट्ठा करके लाता है और अपने दोस्त के लिए एक अच्छा घोंसला बनाता है। वो छोटे के लिए कुछ कीड़े भी इकट्ठा करके लाता है, लेकिन वो कीड़े नहीं खाता। इतने में डेंजर वहां कर कहता है कि सॉसेज और कीड़े चीलों के लिए हेल्दी नहीं होते। फिर वो छोटे को बतक का लीवर देता है और वो खुशी खुशी उसको खाने लगता है। डेंजर लुकस को एडवाइस देता है कि तुम इसे अक्सर बाहर लेके जाओ क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ने से इसके पंख और बड़े और ताकतवर हो जाएंगे। उस दिन लुकस अपने पिता के साथ काम कर रहा होता है। कैलर उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लुकस एक शब्द भी नहीं बोलता। और फिर गुस्से में आकर कैलर लुकस से और ज्यादा काम करवाता है और उसको कहीं बाहर ही नहीं जाने देता। उसी रात एक लोमड़ी कैलर के फार्म में घुस जाती है और सारी मुर्गियों को मार डालती है। कैलर को बहुत गुस्सा आता है कि लुकस ने फार्म का दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया। दूसरी ओर लुकस छोटे के लिए मुर्गी चुराकर अपने पुराने घर में जाता है। वो उन लोमड़ियों को भगा देता है जो छोटे पर हमला करने वाली थी। फिर लुकस रात भर छोटे के साथ ही रहता है और उसके साथ खेलता भी है। वो अपनी फैमिली का बाइबल पढ़ता है जिसमें केन और एबल नाम के दो भाइयों की कहानी होती है। वो कहानी छोटे की कहानी से बहुत मिलती जुलती है, इसीलिए वो छोटे का नाम एबल रख देता है। छोटा एबल है तो बड़े का नाम केन रख देते हैं। ओके, वहाँ केन की माँ उसे पर्वतों पर राज करने की ट्रेनिंग दे रही होती है। यहाँ लुकस एबल को उड़ने की ट्रेनिंग देना चाहता है, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती और इस वजह से वो सफल नहीं हो पाता। एक दिन वो एबल को ट्रेन कर रहा होता है कि डेंजर वहाँ पर आ जाता है। वो लुकस से कहता है कि तुम गर्मी के मौसम में मेरे साथ रहने आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस चील को कैसे ट्रेन करना चाहिए। फिर डेंजर कैलेट से भी बात करता है और लुकस को कुछ दिन अपने साथ रहने की परमिशन भी ले लेता है। डेंजर के कैबिन में एक पोर्ट्रेट होता है जिसमें एक लड़का और एक चील होते हैं। वे बिल्कुल लुकस और एबल की तरह ही दिखते हैं। अगले दिन लुकस एबल को फिशिंग करने की ट्रेनिंग भी देता है और खुद एक फिश पकड़कर उसके सामने रखता है, लेकिन एबल उसको पकड़ नहीं पाता और फिश फिसल कर पानी में गिर जाती है। कुछ दिन बाद एबल और उसके भाई केन के नए पंख निकल जाते हैं। एबल से पहले उसका भाई उड़ना सीख जाता है क्योंकि उसकी माँ उसको ट्रेन कर रही होती है। यहाँ बेचारा लुकस एबल को उड़ने की ट्रेनिंग देते देते बहुत थक जाता है।
फिर वो छप्पर से एक बास्केट लटकाकर एबल को उसमें रख देता है और उड़ने को कहता है। शुरू शुरू में तो बात नहीं बनती, पर आखिर में वो आसमान में एकदम शानदार ग्लाइड करने लगता है। उस रात दोनों उस पुराने घर के छप्पर पर ही सो जाते हैं। सुबह जब लूकस उठता है तो एबल वहां पर नहीं होता। अब लूकस घबराकर आसपास देखने लगता है कि ये गया कहां। तभी उसको एबल दिखता है जो आसमान में मस्त उड़ रहा है, और ये देखकर लूकस की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और आखिर उसकी मेहनत रंग ला गई है। तब एबल उड़कर एक पत्थर पर बैठता है। लूकस खुश होकर उसके पास भागता है, लेकिन एबल फिर उड़ जाता है। ये देखकर लूकस की खुशी हवा में उड़ जाती है। अब लूकस को विश्वास हो जाता है कि उसका दोस्त उड़ना सीख गया है और कभी लौट कर नहीं आएगा। वो जमीन पर पड़ा पंख उठा लेता है और उसे एबल की यादगार चीज समझकर अपने पास रख लेता है। फिर डैंसन लूकस को दिलासा देता है, लेकिन वो भी नहीं जानता कि एबल कभी वापस आएगा या नहीं। वहाँ जंगल में एबल एक सांभर का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन दो तीन सांभर मिलकर उसे घायल कर देते हैं और वो शिकार में सफल नहीं हो पाता। जंगल में उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होती है। उसे केलर के शॉटगन से खुद को बचाना पड़ता है। अपने भाई केन से भी उसे अपनी जान बचानी पड़ती है, क्योंकि अब केन एक काबिल शिकार पक्षी बन गया है। अगले कुछ दिन लूकस अपना सारा वक्त एबल को ढूंढने में निकालता है। जब वो नहीं मिलता तो लूकस लगभग हार मान चुका होता है, लेकिन आखिर एक दिन एबल उसके पास लौट आता है। अब लूकस सीख गया है कि जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। लूकस एबल के पंख को कुछ पत्थरों के बीच में सजा देता है और एबल के साथ घर लौट आता है। डेंजर उसे प्रॉमिस करता है कि वो एबल को शिकार करना सिखाएगा। वे ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं कि केलर वहां पर आ जाता है। अब अपने पिता को देखते लूकस बिल्कुल वहां से भाग जाता है। केलर कहता है कि वो मेरा बेटा है और तुम इतने दिन उसे अपने साथ क्यों रख रहे हो। फिर डेंजर और लूकस मिलकर कुछ जुगाड़ करते हैं और एबल को तेजी से शिकार करना सिखाते हैं। शुरू में तो एबल असफल रहता है, लेकिन आखिर में वो प्रूव कर देता है कि वो एक समझदार पक्षी है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो अपना पहला शिकार पकड़ने में सफल ही हो जाता है। अब ट्रेनिंग अच्छी चल रही होती है, लेकिन डेंजर लूकस को समझाता है कि एबल एक जंगली पक्षी है और इसे एक ना एक दिन वापस जंगल जाना ही होगा। कुछ दिन बाद वे एबल को सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर लेके जाते हैं। लूकस उसे अलविदा कहकर उसके पैर में एक छोटा सा ब्रेसलेट पहनाता है। आखिर वो चील उड़ ही जाता है। जब जाड़े का मौसम आता है तो एबल ठीक से शिकार भी नहीं कर पाता। वो खरगोश का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड और बर्फ गिरने की वजह से शिकार करना नामुमकिन सा हो जाता है। और फिर बहुत संघर्ष करने के बाद वो एक जानवर को पानी में डुबोकर उससे अपना शिकार बना ही लेता है, और वक्त के जाते जाते वो खुद के लिए शिकार करना भी सीख जाता है। इसी बीच लूकस रोज अपने दोस्त एबल को याद करता है। केलर जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाता है, लेकिन लूकस जानवरों को बचाने के लिए सारे ट्रैप्स निकाल देता है। एक दिन वो उन पत्थरों के पास जाता है जहां उसने एबल का पंख लगाया था। वहां वो एबल के बारे में सोचता है और बर्फ पर ही सो जाता है। जब वो जागता है तो उसके बहुत पास एक भेड़िया खड़ा होता है। अब लूकस घबरा कर भागता है, लेकिन गलती से एक ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से डेंजर वहां पास ही होता है और लूकस की चीख सुनकर उसकी मदद के लिए वहां पर आ जाता है। वो अपनी राइफल से भेड़े को डराकर भगा देता है और लूकस का पैर ट्रैप से बाहर निकाल देता है। इसी बीच एबल उस जगह पहुंच जाता है जहां वो पैदा हुआ था। वो अपने भाई केन से मिलता है जो अब बहुत बड़ा और ताकतवर शिकारी बन चुका है। अभी भी इन दोनों के बीच तनाव चल रहा है। वे दोनों मिलकर शिकार करते हैं और फिर मांस के लिए लड़ते हैं। एक दिन डेंजर लूकस को ब्रदर्स ऑफ विंड की कहानी सुनाता है, जो केन और लेवल की कहानी से मिलती जुलती है। लूकस पूछता है कि आपकी इस कहानी के अंत में क्या होता है, लेकिन डेंजर बताता है कि आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद भी हमें कहानी का अंत पता नहीं चलेगा। और फिर अपने एक एक्सपेडिशन के दौरान डेंजर एबल और केन को दिखाता है जो एक ही डाल पर शांत बैठे होते हैं। ऐसा लगता है कि इनके बीच की लड़ाई बिल्कुल खत्म हो गई है। दूसरी ओर लूकस ने अपने पिता को छोड़कर पर्वत के दूसरी ओर जाने का फैसला कर लिया है। फिलहाल तो वो उनके पुराने टूटे फूटे घर में ही है और वहां से निकलने वाला है। तब केलर वहां आकर उसे माचिस की तिल्ली जलाने को कहता है। और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने गलती से पूरे घर में आग लगा दी थी और इसी दुर्घटना में लूकस की मां जलकर मर गई थी। अब केलर तिल्ली जलाता है तो लूकस घबराकर बाहर भाग जाता है और उन पर्वतों के बीच कहीं छुप जाता है। लेकिन केलर उसका पीछा करता है और कुछ देर बाद लूकस एक पर्वत पर चढ़ रहा होता है कि अचानक उस पर एक पत्थर गिरने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तभी बिजली गिरती है और वो बेहोश हो जाता है। अब एबल वहां आकर उसके इर्द गिर्द उड़ने लगता है। कुछ मिनट बाद केलर लूकस को ढूंढ लेता है और अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। लूकस पहली बार अपने पिता से बात करता है और एबल का नाम लेता है। जब वे उस जगह से निकलते हैं तो देखते हैं कि पास ही एक पत्थर के नीचे एक चील बना पड़ा है। अब कुछ साल बीत चुके हैं और अब केलर और लूकस के बीच कोई तनाव नहीं है। वे आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर पर्वत पर चढ़ रहे हैं। लूकस कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एबल यहीं कहीं है। लगता है उसे अब तक विश्वास है कि एबल जिंदा है और एक दिन वो जरूर आएगा। लेकिन केलर की ये राय नहीं है। वो बताता है कि पत्थरों के बीच जो चील मरा पड़ा था वो एबल ही था। वो लूकस को समझाता है कि तुम अपनी झूठी उम्मीदें छोड़ दो। तभी अचानक किसी चीज पर केलर का ध्यान जाता है। वो बोलना बंद करता है और लूकस से कहता है कि तुम अपना हाथ बढ़ाओ।
लुकास कंफ्यूज होता है लेकिन फिर भी केलर की बात मानता है और आगे जो होता है उससे लुकास बिल्कुल हैरान और साथ ही बहुत खुश भी होता है। न जाने कहां से एबल उड़कर आ जाता है और लुकास के हाथ पर बैठता है। तब बताया जाता है कि जो चील पत्थरों के बीच मरा पड़ा था वो एबल का भाई केन था। लुकास का मन उमंग से भर जाता है लेकिन वो समझ गया कि अब एबल को हमेशा के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है। वो एबल के पैर से ब्रेसलेट निकाल लेता है और एबल को बिल्कुल आजाद कर लेता है। कुछ ही पलों में एबल आसमान में बहुत ऊंचाई में उड़ने लगता है और आखिरी सीन में दिखाते हैं कि एबल और उसकी मादा चील अपने घोंसले में हैं और अपने बच्चे के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल।